पाइथन शॉर्ट सीरीज के आज के एपिसोड में हम जो सीखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। ओके, अभी ये जिस स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, तो कि ये जिस यहाँ पर हमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या फिर सीरीज ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको जस्ट यहाँ पर हमें रन करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड इफ। ओके, नेस्टेड इफ में एक्चुअल में क्या होगा, तो कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और जस्ट वहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकता है, एक यानी कि इफ जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर जस्ट वहाँ पर दूसरा इफ ब्लॉक दे सकते हैं। अभी जस्ट प्रैक्टिकली हम देखें कैसे यहाँ पर जस्ट हम करेंगे, तो कि सिंपल हम जस्ट टाइप करते हैं, ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे फर्स्ट, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर हम देंगे वैल्यू कुछ, ओके, अभी जस्ट फर्स्ट यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, ओके, देन द कोलन एंड नेक्स्ट इनसाइड अनदर इफ, ओके, ये हो जाएगा नेस्टेड इफ यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी। अभी इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ, तो के फर्स्ट हम चेक करें ए ग्रेटर देन बी एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सेकेंड चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन सी तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगा, तो कि एक वेरिएबल में हम जस्ट स्टोर कर लेते हैं ए, ओके, दैट मीन्स जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करें, तो कि ये अगर कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, तो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ बट सेकेंड इन यहाँ पर फॉल्स हो गया तो क्या होना चाहिए, तो कि यहाँ पर जस्ट स्टोर कर लेंगे हम यहाँ पर, तो कि सी, ओके, तो ये जस्ट हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, अगर ये जस्ट हो गया तो कि अगर फर्स्ट वन कंडीशन ही यहाँ पर ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो क्या होना चाहिए, तो कि यहाँ पर भी उसके लिए एल्स एंड जस्ट यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जस्ट सेम वही जो स्टेटमेंट देंगे हम इफ ब्रैकेट में यहाँ पर जस्ट देंगे सेकेंड कंडीशन बी ग्रेटर देन यहाँ पर हम देंगे सी, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कि जस्ट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बिग इज इक्वल टू बी एक एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे एल्स, ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम जस्ट टाइप कर देंगे बिगर इज इक्वल टू यहाँ पर सी, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर कोलन, ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कि जस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जस्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट एंड ब्रैकेट में जस्ट यहाँ पर हम दे देते हैं डबल कोट में बिग नंबर इज, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बिगर, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर कंट्रोल एस एफ आई, ओके, तो जस्ट यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ, तो जस्ट ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एस एफ आई, ओके, तो जस्ट यहाँ पर हमें बिगर जस्ट फाइव यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। रीजन जस्ट ओनली, तो के फर्स्ट यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर का इफ चेक होगा, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होता है तो सीधा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, तो कि ये जो एल स्टेटमेंट है वहाँ पर प्रिंट होगा, बट अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है तो सेकेंड में एंड जस्ट यहाँ पर ये चेक प्रिंट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके एल्स में यहाँ पर जस्ट प्रिंट कर सकते हैं। दैट सिंपल, ये एक्चुअल में क्या है, तो कि नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लाइक अभी यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर हमने एक और जस्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।